सो हेलो गाइस, आज मेरे पास है सैमसंग का गैलेक्सी M51 और एक साथ है मेरा पुराना फ़ोन गाइस, 2016 का मॉडल है मोटरोला G4 प्लस। गाइस मैं आज ये कैमरा के साथ इसका कंपैरिजन करने वाला हूँ, पर इसमें ऐसा नहीं है कि कैमरा इसका जो है बहुत बेस्ट होने वाला है मोटरोला का, और ऐसा भी नहीं है कि सैमसंग का भी कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो आपको जानना ज़रूरी है कि अभी के जो कैमरा है 2021 के और 2016 का जब मैंने फ़ोन ख़रीदा था उसमें क्या डिटेल हम लोग को देखने को मिलता है। तो गाइस हम लोग चलते हैं, पहले इधर फोटोज़ लेते हैं साथ में। यहाँ पे गाइस सैमसंग गैलेक्सी M51 का अगर हम लोग फोकस चेक करें तो आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 11 अपडेट और UI 3.1 के अपडेट के बाद जो इसका फोकस है बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है गाइस। जैसे आप रखेंगे तुरंत फोकस कर ले रहा है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और अगर हम लोग यहाँ पे मोटरोला की फ़ोकस को चेक करें उससे पहले, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका फोकस कैसा है। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं इसका फोकस, जैसे मैं ला रहा हूँ फ़ोन को, ये भी फोकस बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहा है। तो गाइस ये उस टाइम का फ़ोन है और ये अभी का फ़ोन है, आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं गाइस। जैसे मैं ला रहा हूँ तुरंत फोकस कर ले रहा है। अब यहाँ पे गाइस हम लोग एक्टिवा यहाँ पे खड़ी उसकी हम लोग फ़ोटोज़ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस दोनों में फ़ोटोज़ ले रहा हूँ बारी बारी से। यहाँ पे मैंने टैप किया और जस्ट मैंने यहाँ पे फ़ोटो लिया है। यहाँ पे सिर्फ अब उसका इसका भी एक फ़ोटो ले लेते हैं अपन, तो मैं आपको एक डिटेल आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे गाइस हम लोग गैलरी में जाकर अगर फ़ोटोज़ को देखें तो आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ जो चीज़, वो आप ये फ़ोटो आ गया है और ये इसका फ़ोटो है। पहले मैं इसको जूम करके दिखाऊँ गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिटेल है गाइस वो थोड़ा सा ब्लरी हो रहा है। यहाँ पे आप BS6 को देख सकते हैं, थोड़ा सा ब्लरी हो रहा है गाइस। अब इसको अगर हम लोग जूम करके देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डिटेल है गाइस वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है गैलेक्सी M51 से। ये जो BS6 लिखा हुआ है गाइस ये ब्लरी है, पर ये एकदम क्लीन दिख रहा है हम लोग को। जो फोकसिंग है उस पर बहुत ज़्यादा काम किया जाता था पहले, और अभी के जो कैमराज है उसमें जो फोटो है वो बाहर से ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, पंची दिखते हैं, और ये जो है बाहर से थोड़ा सा आपको डल टाइप का दिखेगा। बाकी जो क्लियरिटी की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो आप देख सकते हैं मोटरोला की क्लियरिटी बहुत ज़्यादा है गैलेक्सी M51 से। थोड़ा सा ये पंची आपको लग रहा होगा, पर अगर हम लोग डिटेलिंग की बात करें गाइस, तो डिटेलिंग में मोटरोला यहाँ पे विनर है अभी भी। आप बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं इसको स्क्रीन में भी अटैच कर दूंगा जहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं दोनों कैमरा को। अब हम लोग यहाँ पे इस पौधे का फ़ोटो लेते हैं, पेड़ का, वहाँ पे देखते हैं डिटेलिंग कैसी हम लोग को देखने को मिलती है। पहले मैं सैमसंग से एक फ़ोटो ले लेता हूँ, ये फ़ोटो मैंने ले लिया है गाइस, और यहाँ पे अब मैं मोटरोला से फ़ोटो लेता हूँ। तो यहाँ पे भी गाइस हम लोग डिटेलिंग को यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि डिटेलिंग हम लोग को कैसी देखने को मिलती है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये बहुत अच्छी शार्प दिख रही होगी आपको ऊपर से। अब डिटेलिंग में हम लोग जाते हैं गाइस, तो डिटेलिंग इसकी बहुत अच्छी, पर यहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं वो छुप गई हैं। पर अगर हम लोग मोटरोला में वही चीज़ देखें गाइस, तो यहाँ पे जो डिटेलिंग है वो ज़्यादा साफ हम लोग को देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको एक एक जो पत्ती है वो आपको सही दिख रही होगी, पर यहाँ पे जो ब्लरी टाइप का आपको दिख रहा होगा। तो ये जो डिटेलिंग है गाइस ये मोटरोला की ज़्यादा अच्छी है। तो टेलीफोटो लेंस पे गाइस काम करते थे पहले, पर अभी कंपनी ध्यान नहीं देती। अभी जो फ़ोटोज़ है वो ऊपर से ज़्यादा अच्छे दिखने चाहिए और अंदर की डिटेलिंग को वो पूरी तरह से मार देते हैं। तो ये जो है गाइस ये जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपके लिए, आपको समझ में आना चाहिए कि अभी की जो कैमरा है वो ऊपर से ज़्यादा पंची लगते हैं बस, और दिखने में अच्छे लगते हैं, पर अगर हम लोग उसको जूम करेंगे गाइस तो यहाँ पर डिटेल बहुत अच्छे से हम लोग को पता चल जाएगा। जहाँ पे मोटरोला गाइस अंदर की पूरी डिटेल को बहुत अच्छे से शो कर रहा है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे पूरी ब्लरी हो गई है। तो यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था गाइस, अभी के टाइम में जो कैमरा है वो बहुत पंची हो है और ऊपर से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, पर अगर हम लोग डिटेलिंग की बात करें गाइस, टेलीफोटो लेंस पे जो काम हो रहा है वो अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है कंपनी के तरफ से। यहाँ पे गाइस मैं इस पत्ते का फोटो ले रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फोकस नहीं कर पा रहा है गैलेक्सी M51, यहाँ पे बहुत अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको फोकस करने में। हम लोग ये फ़ोटो ले लेते हैं गाइस, और वहीं पे अगर मैं मोटरोला से इसको फोकस करूँ गाइस, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फोकस कर ले रहा है मोटरोला, तुरंत आपको एज पूरी दिख रही होंगी, और जिस चीज़ का हम लोग को फ़ोटो लेना है उसी चीज़ को मोटरोला तुरंत से फोकस कर ले रहा है गाइस। तो ये जो डिटेलिंग है गाइस वो अभी कि कैमरा में हम लोग को नहीं देखने को मिलती है, ये जो क्वालिटी है वो पहले बहुत ज़्यादा अच्छी आती थी,
मैं आपको यही चीज बस बताना चाहता हूँ। इवन गाइस जब मैं ये फ्लावर की फोटोज ले रहा था उस टाइम भी जो मेरा सैमसंग गैलेक्सी M51 है वो सही से फोकस नहीं कर पा रहा था, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी। मैं रैंडमली पिक कर रहा था गाइस यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा सा टाइम देता तो शायद वो फोकस करता और शायद मैक्रो कैमरा इसमें यूज़ करने को रिकमेंड कर देता है ज़्यादा करीब ले जाने से, शायद इस वजह से हो सकता है। पर अगर हम लोग गाइस अच्छे से फोकस करने की कोशिश करें तो फोकस करता है। पर वही चीज़ जो मोटरोला G4 प्लस है गाइस वो बहुत अच्छे से फोकस कर रहा है। मैंने दोनों फ़ोन से रैंडमली फ़ोटो पिक किए गाइस, दोनों ही फ़ोन से रैंडमली फ़ोटो पिक किए, जो कि मुझे मोटरोला का जो फ़ोटो है वो शार्पनेस जो एज डिटेल है गाइस वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आप भी यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं जो फोकस है वो गैलेक्सी M51 की फ़ोटो ये बहुत अच्छे से करी है, बैकग्राउंड भी बहुत अच्छे से करी। पर यहाँ पे गाइस मैंने रैंडमली पिक किया था जो फोटो, तो बैकग्राउंड में ज़्यादा डिटेल देने की कोशिश की और इसको ब्लरी कर दिया है सामने वाली फोटो को, तो पंची और जो डिटेल है गाइस वो थोड़ा सा खो देता है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है गाइस, मैंने बहुत ट्राई किया पर ये वाला फोटो थोड़ा सा मैंने जब टैप किया तब मैं यहाँ पे रैंडम जो पिक किया तो यहाँ पे ब्लर हो जा रहा था। वही अगर गाइस मैं आपको मोटरोला की फोटोज़ दिखाऊं, हम लोग यहाँ पे अगर मोटरोला की फोटोज़ देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रैंडमली पिक किया यहाँ पे इस फोटो को, ऐसा कोई भी फोकस करने की कोशिश नहीं की थी ना फिर सैमसंग में मैंने की, दोनों में मैंने फोकस करने की कोशिश नहीं की, लेकिन जो फोकसिंग है ऑटो फोकस जो है वो गाइस वो सैमसंग से ज़्यादा बेटर है मोटरोला का, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़। और डिटेलिंग वगैरह गाइस दोनों की ठीक ठाक है, मैं ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं आपको जो एज डिटेल की अगर यहाँ पे मैं एज डिटेल की बात कर रहा हूँ तो एज डिटेल में मोटरोला थोड़ा ज़्यादा अच्छा निकल के आ रहा है यहाँ। इसमें गई 16 मेगापिक्सल का कैमरा है मोटरोला G4 प्लस में और गैलेक्सी M51 में 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो 16 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको समझ आ गया होगा पूरे वीडियो में गाइस कि जो मेगापिक्सल का खेल नहीं है यहाँ पे, जो ऑप्टिमाइजेशन है एज डिटेल ऑटो फोकस और टेलीफोटो लेंस का यहाँ पे कमाल होता है। तो बस गाइस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो अभी के जो कैमरा है उसमें गाइस जो सामने से जो दिखते हैं उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया गया है, पर अगर हम लोग उसको जूम करें गाइस तो जो एज डिटेल है वो खो देता है। यहाँ पे गाइस ये 25,000 रुपये का फ़ोन है और उस टाइम मैंने इस फ़ोन को 14,000 रुपये में ख़रीदा था, 2016 से मैंने इस फ़ोन को यूज़ किया, बाकी अभी ये फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा हैंग और लैग मारने लगता है। पर ऐसा नहीं है कि गाइस की सैमसंग गैलेक्सी बहुत बेकार फ़ोन है, बहुत सही फ़ोन है गाइस, बैटरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इसी फ़ोन से मैं एडिट वगैरह करता हूँ सब कुछ करता हूँ। बस मैं आपको एक दिखाना चाहता था कि जो अभी सैमसंग ही नहीं गाइस कोई भी फ़ोन के आप कैमरा चेक कर लो पुराने घर में, अगर आपके घर में पुराने फ़ोन है उसके साथ आप एज डिटेल को अगर चेक करेंगे ना तो ज़रूर जो पुराना फ़ोन है अच्छा वाला नोकिया हो गया मोटरोला हो गया ये ज़रूर विनर निकल के आएगा। तो होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, वीडियो को लाइक कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।